हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डीप नेक में आपको जितने भी लोग हैं, ये प्रॉब्लम में ज़्यादातर लोग ने आपको मिसगाइड किया है। इसका मैं लाइव सबूत दे रहा हूँ आज। एक कॉमन सेंस की बात है और जो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये इसका फर्मा कटा हुआ है, इसके नाप से फर्मा कटा हुआ है। अभी यहाँ इसका फिटिंग एकदम परफेक्ट है, राइट? फिटिंग के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से फर्मा कटा है, उसका फिटिंग एकदम परफेक्ट है, राइट? तो अब अगर डिजाइन चेंज हो रही है तो बॉडी में तो कोई फर्क नहीं आने वाला। बॉडी जो जहाँ पे है वहीं पे रहने वाली है, जैसी है वैसी ही रहने वाली है। तो फिर लोगों ने जब शोल्डर गिर रहा है तो ये शोल्डर काट के निकाल दिया और फर्मे में फ़र्क आ गया, फर्मे के फिटिंग में फ़र्क कर दिया। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये एकदम तरीका गलत है। आपने ये जानने की कोशिश नहीं किया कि शोल्डर गिरता क्यों है। अगर शोल्डर गिरता क्यों है, गिरा क्यों शोल्डर, वो अगर मालूम किया होता तो ये रिजल्ट आपका नहीं होता। यहाँ बॉडी के हिसाब से आर्मोल कटा हुआ है, बॉडी के हिसाब से शोल्डर है, राइट? तो जब कॉलर वाला नेक बना रहे हो या रेगुलर नेक बना रहे हो तो शोल्डर तो आपका परफेक्ट है, उसमें तो शोल्डर गिर नहीं रहा है आपका। तो शोल्डर गिरा क्यों? डीप नेक आपका हुआ तो शोल्डर गिर रहा है। तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है, प्रॉब्लम यहाँ शोल्डर में या आर्मोल में नहीं है, प्रॉब्लम नेक में है। तो आपको शोल्डर कम नहीं करना है, नेक कम करना है। तो वो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फर्मा बॉडी के हिसाब से कटा हुआ है, राइट, अभी ये नेक को हम इधर ले लेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। जब इधर शिफ्ट करके अगर हम कटिंग करेंगे नेक को, तो जब ब्लाउज पहनने के बाद वो जब नेक जब फैलेगा तो ये उसकी जगह पे जाके गिरेगा, राइट? तो यहाँ हमारा आर्मोल वही का वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सही तरीका है फ्रेंड्स, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपका डिज़ाइन चेंज हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पर आया, जहाँ से प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम वहीं से दूर करना है, राइट? ये शॉर्टकट है, ये गलत तरीका है। इसमें आर्मोल आपका बड़ा हो जाएगा, फिर ये जब आर्मोल स्लिप होकर इधर जाएगा उसकी जगह पे, तो यहाँ पे झोल आएगा, झोल आएगा, रिंकल आएगा और फिटिंग को ख़राब कर देगी ये चीज़। तो इसका सही तरीका क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको जितना वेस्ट है उतना ही मेजरमेंट लेना है। 32 वेस्ट है तो 8 इंच मैंने लिया हो। यहाँ पर हम डार्ट नहीं लगाएंगे, राइट? और यहाँ पर हम डार्ट का मार्किंग करेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे, डार्ट नहीं लगाएंगे, कट लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर से 2 इंच लेना है हमको और ये एक यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। फ्रेंड्स, समझ लेना बहुत ही आसान है एकदम। जहाँ से प्रॉब्लम है वहाँ से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? प्रॉब्लम इधर से सॉल्व होगा, इधर से नहीं होगा। ये इधर से लोगों ने इसलिए निकाला इसका सॉल्यूशन, इन लोग ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि प्रॉब्लम है किधर। प्रॉब्लम गले में है, ऑपरेशन आर्मोल का कर दिया, शोल्डर का कर दिया। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये हमको दिख भी रहा है कि ये चीज़ गलत है, राइट? तो यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे और ये जो मार्किंग किया है इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, आप ये मान लो ये 2 इंच है, 2 इंच हमने कम कर दिया है। तो कम कहाँ से होगा? नेक से होगा, शोल्डर से नहीं होगा। तो ये 2 इंच हमने कम कर दिया इसको। यहाँ पे हम डार्ट लगा लेंगे और ये लाइन है जो हमारी सेंटर बैक की सेंटर लाइन, इसको स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। अभी ये हमारा शोल्डर था 14, 14 14 शोल्डर है तो हमने 14 ही रखा है, राइट? अब ये इसमें से शोल्डर हमारा 2 इंच कम हो चुका है, राइट? तो ये हमारे पास अब बचा है 5 इंच, 5 इंच, 2 इंच शोल्डर कम हो गया और आर्मोल हमारा जैसा था वैसा का वैसा ही है। उसमें हमने कोई कट नहीं लगाया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया बॉडी में। तो इसको हम काट लेंगे, इसका कटिंग कर लेंगे हम।
तो फ्रेंड्स ये है सही तरीका इसका। अब फ्रेंड्स हमारा ये कटिंग ऐसे होगा, ये नेक ऐसे कटेगा और इसके बाद जब ये फैलेगा तो ये अपने आप अपनी जो जगह है वहाँ पे जाके परफेक्ट शिफ्ट हो जाएगा, अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आर्मोल भी आपका वही रहेगा, प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया और कोई रिंकल कोई झुलझाल कुछ भी नहीं आने वाला। आई होप कि फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।